जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी के मरीन कमांडोज मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस कमांडोज इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है। यूएस नेवी सील भी जिनके आगे सर झुकाती है वो है मार्कोस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियो आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। मार्कोस इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिनका काम है स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना, अंडर वाटर कॉम्बैट, अंडर वाटर ऑपरेशन और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे सिचुएशंस को हैंडल करना। मार्कोस कमांडोज को मगरमच्छ या फिर दाढ़ी वाले फौज के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस कमांडोज की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टफ होता है। मार्कोस कमांडो बनने के बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है मार्कोस ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। इसका कभी अंत नहीं होता जब तक कि एक मार्कोस कमांडो रिटायर ना हो जाए। एक मार्कोस कमांडो फ्री फॉल क्वालिफाइड भी होते हैं, जैसे पैरा एसएफ होता है। एरोप्लेन से कूदकर वो पैराशूट को ओपन करके हाहो और हालो जंप्स के लिए भी ट्रेंड होते हैं। इसकी ट्रेनिंग उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में दिया जाता है। मार्कोस ज्वाइन करने के आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना पड़ेगा। नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको प्री सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मार्कोस के प्री सिलेक्शन प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 3 दिन का होता है। इस 3 दिन में ही 80-90% सोल्जर्स बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस 3 दिन में एक सोल्जर की फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक नेवी ऑफिसर बनना अलग चीज है, एक मार्कोस कमांडो बनना दूसरी चीज है। क्या उस बंदे के अंदर मार्कोस कमांडो बनने की एबिलिटी है या फिर नहीं, इसी 3 दिन में ट्रेनिंग ऑफिसर इसका पता लगा लेते हैं। प्री सिलेक्शन प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट को क्रॉस करने के बाद सेकंड पार्ट में जो ट्रेनिंग होता है उन्हें कहा जाता है हेल वीक। और ये हेल वीक की ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रेनिंग है इस पूरी दुनिया में। यूएस नेवी सील्स भी इसी हेल वीक में अपने सोल्जर्स को ट्रेन करता है। इस हफ्ते में 15-18 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग एक सोल्जर को दी जाती है। अपने अंदर की सारी एनर्जी, टफनेस उस सोल्जर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। टूटने के बाद वो सोल्जर कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो मार्कोस बन पाएगा या फिर नहीं। हेल वीक में बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल पेन से उनको गुजरना होता है। और जो भी फर्स्ट पार्ट को क्रॉस करके सेकंड पार्ट में आए थे उनमें से 97-98% सोल्जर्स इसी हेल वीक में बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तो मार्कोस की एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। ये प्री सिलेक्शन मोड है, और जो लोग ये प्री सिलेक्शन मोड हेल वीक को क्रॉस कर लेते हैं उन्हें फर्दर 2.5-3 साल की एक खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। जिन्हें एक्चुअल मार्कोस बनना है उन्हें इस ट्रेनिंग को क्रॉस करना होगा। इस ट्रेनिंग में सबसे पहला 6 महीने की ट्रेनिंग होता है बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, जो कि स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल नाहान में कुछ समय के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकल टेस्ट, अंडर वाटर ट्रेनिंग, रनिंग, हाई प्रेशर स्विमिंग जैसे बेसिक चीजों को सिखाए जाते हैं। बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले हर एक तरीके की वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी तरह के गन्स है, मार्कोस कमांडोज लगभग सभी गन्स को चलाने के लिए ट्रेंड है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें एडवांस लेवल की डाइविंग कोर्स भी कंप्लीट करवाए जाते हैं। कमांडो टैक्टिक स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। दुश्मन को कैसे जानना है, उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज एक मार्कोस कमांडोज को सिखाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोज क्वार्टर बैटल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्रव मागा जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। क्रव मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया गया है स्पेशल फोर्सेस और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए। मार्कोस कमांडोज को हर एक तरह की सिचुएशंस के लिए ट्रेंड किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग दी जाते हैं जिन्हें सिचुएशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसमें उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्रशिक्षण दी जाती है। इस सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मार्कोस ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट के आगे वो खड़े हैं, जिन्हें कहा जाता है डेथ क्रॉल। इसको डेथ क्रॉल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करते हुए एक सोल्जर्स को मौत का सामना करने का एहसास हो जाएगा। इस ट्रेनिंग में लगभग 2600 फीट तक मोटे कीचड़ के अंदर घुसकर क्रॉल करना होता है। इतने मोटे कीचड़ के अंदर 30 किलो के बैटल लोड और 7.5 किलो के राइफल को लेकर क्रॉल करना किसी मौत से कम नहीं है। इस क्रॉल को खत्म करने के बाद जब एक कमांडोज की एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस वक्त पर उन्हें 3 किलोमीटर की ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए भेजा जाता है। और एक ऐसी टाइमिंग दी जाती है कि हाई स्पीड पर अगर इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं किया जाता है तो वो सोल्जर फेल हो जाएगा। सब एक्सरसाइज को करने के बाद जब एक सोल्जर की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो अंदर से टूट चुका है, शरीर के एक भी पार्ट को हिलाने की क्षमता नहीं है, उस वक्त पर उन्हें ले जाया जाता है शूटिंग ट्रेनिंग के लिए। शूटिंग ग्राउंड में लगभग 90 फीट की दूरी से उन्हें एक्यूरेट शूट करना है। शूटिंग के सेकंड फेज में कमांडो को सामने रखा जाता है। टारगेट और कमांडो के बीच में मात्र 45 सेंटीमीटर का दूरी होता है, और 90 फीट की दूर से उसके बॉडी को उसी टारगेट को हिट करना है। शर्त सिर्फ इतना है कि कमांडो को चोट ना लग जाए। अगर उससे चलाई हुई गोली जरा सी भी चूकती है तो उसके बॉडी की जान तक जा सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग में गोलियां असली
होती है। सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक मार्कोस कमांडोस को फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर उन्हें ओपन और क्लोज सर्किट डाइविंग, डेमोलिशन, हाईली एंड्यूरेंस ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। एक मार्कोस कमांडोस की एंड्यूरेंस इतना होता है कि उससे ऊपर एंड्यूरेंस किसी का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एयरबोर्न एडवांस ट्रेनिंग, समुद्र के 250 से 300 मीटर नीचे सबमरीन में ऑपरेशंस को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत तरह के लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना और समझने की भी ट्रेनिंग एक मार्कोस कमांडोस को दी जाती है। इसके अलावा बॉम्ब और एक्सप्लोसिव मटेरियल को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोस अर्बन वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। उसके बाद मार्कोस को भेजा जाता है नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर उन्हें कॉम्बैट डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उन्हें ट्रेंड किया जाता है कैसे अंडर वाटर ऑपरेशंस को अंजाम देना है, कैसे अंडर वाटर डेमोलिशन को अंजाम देना है। सारी ट्रेनिंग को जब एक सोल्जर कंप्लीट कर लेता है तब वो बनता है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 95-97% है। 100 लोगों में से सिर्फ 2-3 लोग ही मार्कोस कमांडो बन पाते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है द फ्यू द फेयरलेस। आशा करता हूँ आप सबको मार्कोस कमांडोस की ये ट्रेनिंग डिटेल्स पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। मार्कोस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।